दोस्तों Redmi ने चाइना में Redmi Note 12 सीरीज के तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं और तीनों के स्पेसिफिकेशन फीचर्स कमाल के हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा भी देखने को मिलेगा। सो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं तीनों स्मार्टफोन के बारे में, इसके इंडिया लॉन्च के बारे में और इसके प्राइसिंग के बारे में। सो, अगर आप Redmi के इन स्मार्टफोन को इंडिया में खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा, इसके प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन क्या होंगे और कितने स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे वीडियोस को इतना प्यार दिया है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि इस तरह से प्यार बनाए रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दैन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इस तरीके के नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के लिए बना सकें। और वीडियो अच्छा लगता है दैन प्लीज़ लाइक द वीडियो। सो, स्टार्ट करते हैं इन स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो तीन स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं चाइना में, यानी कि Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro एंड Redmi Note 12 Pro Plus, बट इन इंडिया यू विल गेट ओनली टू स्मार्टफोन, विच इज द स्टैंडर्ड वन Redmi Note 12 एंड द लास्ट वन विच इज Redmi Note 12 Pro Plus। ये दो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होंगे। चाइना में जो Redmi Note 12 लॉन्च किया गया है वो 13,600 के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया है, बट इंडिया में आपको थोड़े से प्राइस हाई देखने को मिलेंगे। सो, बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बहुत अच्छा नंबर है 13,600 के प्राइस रेंज में। इसके अलावा इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेन 1 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 13 यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट ये जो प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेन 1 वो ठीक ठाक है, मतलब इस प्राइस रेंज के हिसाब से मतलब ठीक प्रोसेसर है। इसका AnTuTu स्कोर नियर अबाउट 385,000 के आसपास देखने को मिल जाता है और ये प्रोसेसर आपको iQOO G6 Lite में भी देखने को मिलता था। सो, प्रोसेसर ठीक ठाक है। कैमरे का अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है। यस, अब आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, ट्रिपल कैमरा या चार कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। उसमें भी बहुत सारा कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो प्राइमरी कैमरा है इस स्मार्टफोन का वो है 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और आपको 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिल रहा है और इस प्राइस रेंज में जितने भी अभी स्मार्टफोन नए लॉन्च हो रहे हैं उसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं ही मिल रहा है। और ये जो 2 मेगापिक्सल का सेंसर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए दिया जा रहा है, उतना अच्छा तरीके से काम नहीं करता है। सो, अगर आपका बजट हाई है तो आप हायर वन के लिए जा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल्फी कैमरा। तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है विद 33 वाट फास्ट चार्जर। सो, अगर आप लेना चाहते हैं ये स्मार्टफोन तो इसको भी आप खरीद सकते हैं। इंडिया में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा कब, ये आपको लास्ट में बताने वाला हूँ वीडियो के एंड तक। सो, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द Redmi Note 12 Pro Plus 5G। सो, Redmi Note 12 Pro Plus 5G लॉन्च होगा इंडिया में और Redmi Note 12 Pro लॉन्च नहीं होने वाला है। सो, वी विल टॉक अबाउट Redmi Note 12 Pro Plus 5G। इसमें भी आपको 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, बट द डिफरेंस इज दैट इट्स एन ओलेड पैनल इंस्टेड ऑफ एन एलसीडी डिस्प्ले और यहाँ पर आपको 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है एंड 240 हर्ज का टच सैंपल रेट भी देखने को मिल जाता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जिसका AnTuTu स्कोर 5,20,000 के अराउंड होने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा एंड द मेन हाइलाइटिंग फीचर्स ऑफ दिस स्मार्टफोन। यस, इस स्मार्टफोन में आपको दिया गया है 200 मेगापिक्सल का कैमरा। रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें प्राइमरी कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर दिया गया है। और सेल्फी की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि उस स्मार्टफोन से, यानी कि इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट से इसका प्रो प्लस वेरिएंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर चार्जिंग और बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है विथ 120 वाट फास्ट चार्जर, रियली वेरी फास्ट, बहुत ही क्विकली चार्ज कर देगा आपके स्मार्टफोन को। सो, ये सारे स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स हैं इस स्मार्टफोन के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्चिंग डेट इन इंडिया। अभी तक अगर देखा जाए तो Redmi की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि इंडिया में ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है या फिर ये सीरीज कब लॉन्च होने वाला है, बट अभी आपको बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियोज देखने को मिल जाएंगे इंडियन चैनल्स पर, यानी कि इंडियन यूट्यूब चैनल पर, जिन्होंने चाइना से ये स्मार्टफोन मंगाया है और इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया हुआ है। बट हाँ, चाइनीज वेरियंट में और इंडियन
वेरिएंट में थोड़ी बहुत चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर आपको प्राइस के डिफरेंस तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो प्राइस में चाइना में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है वो बहुत ही अग्रेसिव प्राइस है, उस प्राइस में आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको प्राइसिंग थोड़े से हाई देखने को मिलेंगे। और लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं, ये स्मार्टफोन एंड ऑफ जनवरी 2023 या फिर मिड ऑफ फरवरी में आपको देखने को मिल सकता है। सो अगर आप एक्साइटेड हैं रेडमी नोट 12 सीरीज के स्मार्टफोनों में, देन वेट फॉर 1 or 2 months एंड देन यू विल गेट दिस स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन के लिए पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो दैट्स अबाउट दिस स्मार्टफोन। सलाम, माय नेम इज शाकिर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।